भारत माता की जय। मैं चार मीनार से मेघा रानी अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बोल रही हूँ। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने मत का सदुपयोग करें और 30 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में यानी पूरे जने निकल कर वोट डालना अनिवार्य है। आप किसको चुनते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन वोट डालना अनिवार्य है। सभी से विनती है कि वो निकले और वोट डाले। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपके सभी कामों में निपुण रहूँगी और आपको विश्वास पूर्ण रखूँगी कि यहाँ से सभी कार्य जो भी आज तक हुए नहीं वो कार्य होंगे। हेमंत विश्वास जी भी यहाँ पर आए थे, आपको भरोसा दिलाए कि वो किस तरह से आसाम में काम कर रहे हैं, वैसे ही काम यहाँ पर भारत में हैदराबाद में भाग्यनगर में होगा। भाग्यनगर का नाम आधे घंटे में बदलेगा जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो भी काम करती है वह निष्पक्ष रूप में काम करती है, सभी जनता को लेकर काम करती है। वह कभी भी धर्म परिवर्तन माने धर्म के विरुद्ध काम नहीं, कोई भी धर्म के विरुद्ध काम नहीं करी है। सभी जाति सभी समाज के वर्ग को लेकर आगे बढ़ी है और सभी के लिए काम करी है। आज महिला मुस्लिम महिलाएं जहां पर 3 तलाक से ग्रस्त थी उनको भी उससे मुक्ति दिलाई, और आगे भी हम मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह हिंदू महिलाओं के पास अधिकार है उसी तरह मुस्लिम महिलाओं के पास भी अधिकार होगा। बस उनका समर्थन चाहिए, उनका विश्वास चाहिए। आप विश्वास रखिए, आपके हित के लिए काम होगा भारत में और हैदराबाद में। आप सभी से निवेदन है कि एकजुट होइए, वोट डालिए, संगठन में शक्ति है। हम यहाँ पर माइनर है ये सोचकर कभी मत बैठिए। हमारे एक वोट से क्या होगा ये मत सोचिए। आपको निकलना है, वोट डालना है। वोट बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सभी अगर ये सोचेंगे कि हमारे बूंद से क्या होगा तो वो घड़ा खाली रह जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप आगे बढ़िए और वोट डालिए।